पेन देखा राइट ही है तो लेफ्ट में, लेफ्ट ही है तो राइट में, ब्लैक मैट में और सिल्वर मैट में पिट्ठू बैग बिल्कुल नहीं लेना, ब्लैक या ब्राउन ये वाली चीज अवॉइड करनी है, इसे इजीली मैच होगी, कलर मैच करना है आपको तो आप एक स्टाइलिश बैकपैक ले सकते हैं, ऑफिस गोइंग है तो नोट हो निचुड़ रहे हैं, सिक्के नीचे गिर रहे हैं, ब्लैक या ब्राउन। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan Ajingra, your own the formal edit. आज की वीडियो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में, वो एसेसरीज के बारे में जो आपके लुक को करता है कंप्लीट, एक नॉर्मल बेसिक आउटफिट को उसके लेवल को ले जा सकता है, आपकी स्टाइल गेम को 50 से 100 पहुंचा सकता है, इतना डिफरेंस करती है एसेसरीज। वो क्या अफोर्डेबल एसेसरीज कौन सी है जो आपकी स्टाइल गेम को ले जाएगी यहां से यहां, और आपको पूरी वीडियो देखनी है टिल दी एंड, आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर गिव अवे है। क्या है वो 11 एसेसरीज, आइए बात। आपको कई चीजों को ध्यान रखना है एसेसरीज के साथ, दैट हैज टू मैच द ओकेजन। मतलब अगर आपने इंटरव्यू के लिए पहना है तो ब्राइट गोल्ड वॉच तो नहीं पहनेंगे, सूट पहना है तो बहुत सारी चेन या नेकलेसेस तो नहीं पहनेंगे, अगर आपने बैग पहना है तो ओकेजन के अकॉर्डिंगली पहन रहे हैं, उसके ऑपोजिट ना जाए। मतलब क्या, दैट हैज टू ब्लेंड विद द ओकेजन, एसेसरी पे ध्यान ना चला जाए, ओकेजन को छोड़ के वो ब्लेंड हो जाए और अच्छी भी लगे। और क्या दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट करे एसेसरी लुक को, उस पर सारा ध्यान ना चला जाए। मतलब क्या, जैसे मैंने लेदर जैकेट पहनी है और ये सटल सी चेन पहनी है, ध्यान भी ज्यादा नहीं जा रहा बट कॉम्प्लीमेंट कर रही है लुक को, बहुत ज्यादा ओवर पावर ना हो जाए कि ध्यान उसी पे चला जाए। और क्या दोस्तों, अगर कोई ब्राइट या लाउड आउटफिट है तो सटल एसेसरी पहनिए, मतलब बेसिक आपने कोई वॉच पहन ली ब्राउन या ब्लैक लोफर्स पहन लिए, ब्राउन लोफर्स पहन लिए, अगर आपका आउटफिट बहुत सटल है सोबर है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एसेसरीज के साथ। और दोस्तों कई चीजों को ध्यान रखना, अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत लीन है, बॉडी के प्रोपोर्शनेट पहने, मतलब क्या, अगर आप बहुत पतले हैं तो आपके एसेसरी स्लीक रहे, बहुत बड़े बड़े डायल, बड़ी बड़ी वॉचेस, बड़े बड़े चेन्स, बड़े बड़े नेकलेसेस आपको अवॉइड करने हैं, आपकी रिस्ट और पतली लगेगी, नेक्स और पतले लगेंगे, वो आपकी लुक को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, स्लीक और पतले पहने ये चीजें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी जो एसेसरीज है वो बहुत मिनिमल, कम से कम हो, बहुत ज्यादा एसेसरी नेवर मींस कि वो अच्छी लगेंगी। नंबर वन एसेसरीज आपकी बेल्ट है, बेल्ट ब्राउन या ब्लैक ही लीजिए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए क्योंकि आपकी बाकी एसेसरी इजीली मैच होगी, कलर मैच करना है आपको शूज से या बाकी कोई भी एसेसरी हो, लेकिन सेम एग्जैक्ट कलर ना हो, लेकिन फैमिली कलर होना चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट ना हो जाए, इसकी जो विड्थ होगी वो हल्की मीडियम रहनी चाहिए, आप इसको ऑफिस में भी पहन पाए, कैजुअली भी पहन पाए, ज्यादा फेक बेल्ट, उस पर थ्रेड्स ना हो, ज्यादा फंकी ना हो। दोस्तों इसका एक ऑल्टरनेट होता है सस्पेंडर्स, सस्पेंडर बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी चीज है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पहनना वो बेल्ट के साथ क्योंकि उसका ऑल्टरनेट है। सेकंड ऑन द लिस्ट इज अ बैग, बैग आपकी स्टाइल गेम को यहां ले जा सकता है, अगर आप स्कूल गोइंग है तो आप एक स्टाइलिश बैग पैक ले सकते हैं, ऑफिस गोइंग है तो लैपटॉप बैग या फोल्डर बैग ले सकते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपके लिए अप्रोप्रिएट है एक अच्छा डफल बैग, लेकिन आपको पिट्ठू बैग बिल्कुल नहीं लेना, ब्लैक या ब्राउन लीजिए, हर चीज के साथ इजिली मैच हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ग्लासेस, लोग आपके फेस से इंटरेक्ट करते हैं, फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को नहीं छुपाएगा, आपका जो स्टाइल गेम है फेस का ऊपर ले जाएगा, लेकिन टू छोटा या टू बड़ा, मतलब ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा शाइनी नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके फेस शेप के हिसाब से। अगर आपको पता नहीं है कैसे आता है फेस शेप के हिसाब से एक अच्छा ग्लास, मुझे कमेंट में बताइए, एक पूरी वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर। और अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, अगर आपको नंबर है तो क्या कर सकते हैं, आपको ये वाली चीज अवॉइड करनी है, ये आपकी स्टाइल गेम को नीचे ले जाएगी, अगर आपको ऊपर ले जाना है स्टाइल गेम को, स्टाइलिश लगना है स्पेक्टिकल्स पहनते हुए, तो ये वाले ऑप्शन ट्राई करिए। अगला आता है फोन कवर, हमारी जनरेशन से टेक जनरेशन पूरे टाइम हाथ में फोन रहता है, चाहे सोशल मीडिया के लिए हो, सेल्फी के लिए हो, हमेशा आप फोन कैरी करते हैं, आप अपनी मेल्स भी, लोग ऑफिस का काम भी आजकल फोन से करने लग गए हैं, आपके पास पूरे टाइम एक चीज हाथ में है, वो स्टाइलिश क्यों ना लगे, प्रोटेक्शन से अच्छी चीज भी एक करता है, स्टाइल गेम भी बढ़ाता है, आपके फोन जो कवर्स होते हैं ज्यादा फंकी स्लोगन वाले ये आपको अवॉइड करने हैं, कोई भी सटल कलर ब्लैक या ब्राउन में, हल्का मैट में, चाहे वो फाइबर प्लास्टिक हो चाहे लेदर लुक में हो, वैसे कवर्स लीजिए जो स्टाइल गेम और ऊंची कर देगा, आपके फोन की जरूरत नहीं है महंगा फोन हो लेकिन फोन कवर डिसेंट हो। उसके अलावा वॉलेट्स आते हैं, जब भी आप कहीं पे अपने डेट पे जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, पैसे निकालते हैं तो वो प्रेजेंटेबल लगे, आपके नोट हो निचुड़ रहे हैं, सिक्के नीचे गिर रहे हैं, या आपका फेक ब्रांड वाले वॉलेट है या बहुत मोटे वॉलेट है, कई लोग क्या करते हैं उसके अंदर भर देते हैं घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, नहीं, स्लीक रखना है वॉलेट को, कम से कम मिनिमम चीजें रखनी है और अपना ब्लैक या ब्राउन कलर का रखना है, हर चीज के साथ मैच हो जाएगा। उसके अलावा आपकी फॉर्मल एसेसरीज, आप अगर ऑफिस नहीं जाते सूट पहनते तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें जो सस्ते बेसिक सूट का लेवल यहां कर देती है, वो क्या है, एक अच्छा सा कफलिंग, एक टाई पिन, दोनों का कलर मैच होना चाहिए, सिल्वर गोल्ड में आती है, अलग अलग नहीं पहना, अगर आपने कफलिंग गोल्ड पहने हैं तो टाई पिन भी गोल्ड होनी चाहिए, और साथ में एक पॉकेट स्क्वायर। घर पे सस्ते में पॉकेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो हैक्स मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
फैशन के अंदर अच्छा टेस्ट दिखाना है तो ब्राइट सॉक्स इज अ मस्ट ट्राई दोस्तों। ब्राइट सॉक्स से तो लोग हिचकिचाते हैं लेकिन इंटरनेशनल फैशन वीक में ज्यादातर लोग आपको पहने में दिखेंगे इसको। आप लोफर के साथ, आप फॉर्मल शूज के साथ, स्नीकर्स के साथ भी पहन सकते हैं। आप कोई भी एलिमेंट अपने कपड़े में, अपने लुक्स में उसके साथ मैच कर सकते हैं। पॉकेट्स के, टाई, कोई भी आउटफिट के अंदर बटन कुछ भी हो मैच कर सकते हैं। थोड़ा सीरियस ओकेजन जैसे इंटरव्यूज पे उस पर अवॉइड करना है आपको। उसके अलावा क्या आता है दोस्तों, आपका ब्रेसलेट्स और रिंग्स। ब्रेसलेट्स बहुत सस्ता अफोर्डेबल ऑप्शन है जो आपके लुक को बहुत अच्छा दिखा सकता है लेकिन ओवर नहीं पहनने आपको। वॉच के हैंड में भी पहन सकते हैं वॉच के साथ, अगर आप उसका मेटल कोऑर्डिनेट करें या वो आपकी वॉच को कॉम्प्लीमेंट करे। अगर आपको उसको अलग से अटेंशन देनी है उस ब्रेसलेट को तो आप दूसरे हाथ में पहन सकते हैं। और उसके बाद आता है रिंग। ब्लैक मैट में और सिल्वर मैट में रिंग जरूर लें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ओवर रिंग पूरे हाथ भर ले दो दो तीन दिन वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपने ब्रेसलेट पहना है, मिनिमल एक्सेसरीज एक हाथ में है तो उस हाथ में पहन सकते हैं रिंग, नहीं तो अगर थोड़ा सा लाउड है वो हाथ तो आप दूसरे हाथ में पहनिए। वॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी आपको नॉन डोमिनेंट हैंड में हमेशा पहनते हैं, अगर राइट है तो लेफ्ट में, लेफ्टी है तो राइट में। अच्छी इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी वॉच है, ब्राउन स्ट्रैप वाली, ब्लैक स्ट्रैप वाली, स्लीक पतली वॉच या एक सिल्वर वॉच जो सबके साथ चली जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और फिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या, नेक चेन्स एक बहुत अच्छी एक्सेसरी है, सटल होनी चाहिए, सिल्वर, गोल्ड या ब्लैक में चलेगी लेकिन थोड़ी मैट में रहे, ज्यादा गोल्ड शो ऑफ जो चेन्स करते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इकट्ठे बहुत सारी भी पहन सकते हैं लेकिन उसके लिए रूल क्या है, सबकी लेंथ अलग रहनी चाहिए। सिंपल पेंडेंट वाली हमेशा क्लासी रखती है। बहुत सारी पहने तो एक चीज का याद रखना है, एक लाउड होनी चाहिए बाकी सटल रहे, दैट्स द गुड वे टू वेयर इट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ईयरफोन जो उलझे होते हैं, हेडफोन तारों वाले अच्छे नहीं लगते। आप ब्लूटूथ वाले यूज करिए, स्टाइलिश भी लगेंगे और बाहर कई लोग स्पीकर में बजाते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता, तो स्टाइलिश भी होगी गेम आपकी। और आजकल सस्ते में ब्रांड ने 200 रुपए से स्टार्ट कर दिया है तो इसमें इन्वेस्ट करें। और दोस्तों इस वीडियो में गिव अवे है, कैसे कोई जीतना है, दो लोग जीत सकते हैं अच्छे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। करना क्या है आप लोगों को, कमेंट में बताना है 11 में से बेस्ट एक्सेसरी कौन सी लगी और क्यों लगी। लाइक करना है वीडियो को, 7 दिन तक कमेंट्स काउंट होंगे, दो लकी विनर जीतेंगे वो ग्रूमिंग प्रोडक्ट घर पे पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, कमेंट करना मत भूले। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब।